हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं साइबर टेक। तो यार आज मेरे पास एक नए नेक बैंड बोट रॉकर्स 330 जो कि सिमिलर है बोट रॉकर्स 335 के, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। और वैसे बोट ने 335 को डिसकंटिन्यू कर दिया है कुछ इश्यूज की वजह से। तो चलिए अनबॉक्स करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्राइसिंग में मिलेगा और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो यार बॉक्स को थोड़ा क्लोजअप से देख लेते हैं फिर इसे ओपन करेंगे। यहाँ आपको रॉकर्स 330 लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ बोट का लोगो, और इस साइड आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस यहाँ भी मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 10 mm के ड्राइवर्स और फास्ट चार्जिंग, बीस्ट मोड और गेमिंग। पीछे आपको कुछ और स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की साइड अगर आप आएंगे तो 330 आवर्स का नॉन स्टॉप बैटरी बैकअप देगा आपको। ड्यूल पेयरिंग सपोर्ट मिल जाता है ब्लूटूथ 5.2 के साथ, और इसमें आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाएगा या IPX5 स्वेट रेजिस्टेंट, और सिंगल प्रेस पे गूगल वॉल्यूम असिस्टेंट आप इसमें ऑन कर सकते हैं। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 आवर्स, इसका मतलब बोट्स ने दे रखा है कि आप अगर इसे 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 10 आवर्स का प्लेबैक मिलेगा। और नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ आपको ये इमेजिनरी मार्केटिंग इसे इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट को, और यहाँ आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस साइड आपको इसकी MRP भी मिल जाएगी, 3,990 रुपीज़ इसकी MRP है, जो कि आपको रेगुलर डेज पे ये 1200 का पड़ जाता है नॉर्मली, या 1300 का भी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बॉक्स ओपन करते हैं और अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। और ओपन करते हैं तो हमने इसकी सील तो ओपन कर दी है, और इसे यहां से तो आप देख सकते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखता है। इसे हम निकाल लेते हैं, और पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी करी है बोट ने। तो ये तो हमारा है मेन प्रोडक्ट, जो कि हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक ये पैकेज मिलेगा, बोट ने यहाँ भी अपनी ब्रांडिंग कर रखी है बोट प्लग इन टू निर्वाणा। तो इसे ओपन करके आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी USB A to C, ये टाइप सी वाला चार्जिंग है, बॉक्स के अंदर आपको एक इनकी बोट की कैटलॉग मिलेगी जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें बोट ने अपने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मेंशन कर रखी है। और हम लोगों ने भी अपने चैनल पे बोट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और अगर यार वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। और ये आपको एक बहुत बड़ा सा कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर 1 ईयर की वारंटी है, और इसमें आप पढ़ सकते हैं वारंटी आप कैसे क्लेम कर सकते हैं।
इसमें आप मिस कॉल दे देंगे तो आपकी वारंटी एक्टिव हो जाएगी। अगर आपको बोट की वारंटी पे भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं बोट के प्रोडक्ट की वारंटी पे भी क्लेम कैसे करते हो उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। और ये आपको प्रोडक्ट की मैनुअल मिलती है, बोट रॉकर्स 330 की मैनुअल है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ आपको बोट अपने एक स्टिकर देगा, अगर आप बोट हेड है तो आप ये स्टिकर कहीं चुपका सकते हैं, लगा सकते हैं। और बस पॉलिथीन में इतना ही था। और एक मेन चीज़, यहाँ आपको दो एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिलेंगी, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आपको दो पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिलेंगी जो सिलिकॉन की हैं, एक स्मॉल साइज में आ जाएगा और एक लार्ज साइज, मीडियम साइज आपके प्रोडक्ट में लगा हुआ है। तो यार बस यही मिलता है हमें बॉक्स के अंदर, तो इन सबको अब साइड में रख के हम अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ फिर से आ जाते हैं। तो अब हम अपना मेन प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये साइड आपको मेटेलिक मिलती है, यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये मेटल है, यहाँ से भी आपको मेटल है। ये आपको सिंगल प्रेस मिलेगा जिसके ऊपर एक बोट का लोगो मिलता है, ये सिंगल प्रेस बटन है जहाँ से आप कॉल पिक एंड कट दोनों कर सकते हैं, और वॉइस असिस्टेंट यहीं से ही वेकअप कर सकते हैं आप, और यहाँ से पावर ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एक LED लाइट मिल जाती है जो कि मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसे ब्लिंक होएगी LED, और यहीं से ये ऑफ होएगा। और यहाँ आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, जहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज और सॉन्ग प्रीवियस और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। और बैंड की बात कर लें ऊपर से, तो बैंड सिलिकन बैंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं मैंने इसके इसे कितना घुमा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये फ्लेक्सिबल है, जो कि सिलिकन बैंड है रबड़ का बना हुआ। और अब आगे आ जाते हैं अपने, यहाँ आप इस पे आपको बोट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और ये आपको हुक्स मिल जाएंगे एयर, इसके अंदर आपको ये एयर हुक्स जो कि आपके कान में बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली फिट हो जाते हैं और निकलने का भी कोई डर नहीं रहता, आपको दोनों साइड पे मिल जाएगा। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो के अंदर कि मीडियम साइज़ आपके एयरफोन में लगा हुआ है, तो आपके एयरफोन्स में लगा हुआ है मीडियम साइज़ एयरफोन भी, मेटलिक है और जो कि बहुत अच्छी बात की है, मैग्नेट है। और मैग्नेट भी कोई ऐसा ऐसा नहीं कि जो हट जाए आसानी से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसका। अब वायर की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट में बताया ही था कि ये बोट रॉकर्स 330 के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बस प्राइसिंग और कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो आपको देखने में बोट रॉकर्स 335 की तरह लगेगा, वायर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका। यहाँ आपको चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाएगा जहाँ से आप टाइप सी वाला, जहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये पोर्ट कुछ दिखने में ऐसा है। तो इसे तो बंद कर देते हैं और फिर यार फाइनली बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी दे रहा है पोर्ट इसके अंदर, और इस प्राइसिंग में मेरे हिसाब से 1200 या 1300 में कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। ये आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यार फाइनली बात कर लेते हैं इसकी फिटिंग और की। फिटिंग आप देख सकते हैं मेरे कान में कितनी अच्छी तरीके से फिट हो चुके हैं ये, और ऐसा कुछ भी नहीं, अगर मैं इन्हें ज़्यादा तेज़ भी हिलाऊँ या कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये कान से निकल जाए। तो अगर आप जिम या रनिंग वनिंग के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट डील रहने वाले हैं नेकबैंड, जो कि आपको इस साइड से भी परफेक्ट फिट रहेंगे ये। और एंडली बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी की, मैं आपको साउंड क्वालिटी बता दूं कि अगर
इनका बेस सुना तो बहुत ही ज़्यादा हाई बेस है, जैसे हम इंडियंस को पसंद होता है हाई बेस, तो बोट अपने हर एक नेक बैंड में बहुत ज़्यादा बेस देता है। तो इसमें भी आप अगर वोकल्स और ट्रबल्स भी ठीक ठाक लगे इनके, मतलब 70-80% बहुत ही ज़्यादा बेटर है, तो 1200 में यार बहुत अच्छी डील मिलती है आपको। ये बोट रॉकर्स 335 को कंपनी ने कुछ इश्यूज़ की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो कंपनी फिर 330 इसलिए लाई थी डिसकंटिन्यू करने के बाद। तो प्रीमियम प्रोडक्ट है, इतने प्राइस रेंज के अंदर आपको 1200 में बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।